बात कर रहे हैं यस जेवीएन की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक में जो है ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 136.60 रुपीस पर 60 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली थी आज के दिन हमको, और इसके पीछे वजह क्या रीज़न था, सैटरडे को एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी एस जे वी एन और एन एच पी सी के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी, जिसके चलते हमको दोनों स्टॉक में आज तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। एस जे वी एन में तो गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली थी, 140 तक के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, इसका रेजिस्टेंस है आपको याद है। रिकवरी आती है तो हमने इमीडिएट टारगेट के तौर पर 140 के लेवल को डिस्कस किया था, जो कि आज के दिन में हमको हिट होता नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन वहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो अब पहले जहाँ स्टॉक सपोर्ट लिया करता था, देखा जा सकता है चार्ट पैटर्न पर 135-136 का लेवल, उसी लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, और अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ये जो लो है और सबसे आखिरी सपोर्ट 130 का लेवल रहेगा। 130 का लेवल मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है एस जे वी एन में, लेकिन अब लगता नहीं कि इतनी बड़ी एस जे वी एन में गिरावट आएगी। एस जे वी एन में यहाँ से खेल पलटते नज़र आ सकता है, यहाँ से अब चांस बनेंगे एस जे वी एन के अप ट्रेंड के। गिरावट आनी थी आ चुकी, अब यहाँ से हमको अप साइड देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से जंप आता है तो आज के दिन जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 140 का लेवल है, इमीडिएट टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 144 का लेवल, और स्टॉक अगर 144 के लेवल को ब्रेकआउट करके एटलीस्ट इसके ऊपर भी सस्टेन होता है, 144 के ऊपर सस्टेन होता है 2-3 दिन, तो वैसे कंडीशन में फिर हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर अपने रीसेंट हाई को ब्रेकआउट करके यानी 150 के लेवल को ब्रेकआउट करके 160 तक का भी जम दिखा सकता है, यहाँ तक के भी टारगेट फिर एस जे वी एन में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।